जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं आप सभी के बीच फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ गए वाजिद खान को लेकर, जिन्हें अंतिम विदाई देते हुए नजर आई थी धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल। अभी हाल ही में अपना दर्द छलकाते नजर आई, जिसके बाद ईशा देओल के बाद उनके पिता धर्मेंद्र भी काफ़ी भावुक नज़र आए। धर्मेंद्र भावुक होकर ये बताते नज़र आए कि गुम हो जाते हैं वो, निशब्द हो जाते हैं वो। इतनी छोटी उम्र में वाजिद खान चले गए कि उनके पास अभी धर्मेंद्र के पास एक शब्द नहीं कि इस दुख भरे घर को, इस दुखद समय को वो शब्दों के ज़रिए बयां कर सके। और हो ऋषि कपूर इरफान के जाने पर भी धर्मेंद्र काफ़ी दुखी थे, लेकिन उनसे भी कई गुना छोटे थे वाजिद खान। सिर्फ 42 साल के थे वो, और उन्होंने अभी तो ज़िंदगी की कामयाबी को पूरी तरह से देखा तक नहीं था। कामयाबी की बुलंदियों को छूते हुए जिस तेज़ रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे थे, शानदार तरीके से अपने करियर को संभालते हुए, अपने टैलेंट का लोहा मनवाने के बाद, एक बड़ा योगदान फिल्म इंडस्ट्री को देने के बाद सुख प्राप्त करने का वो हकदार थे। लेकिन अफसोस, जिंदगी ने कुछ ऐसी लकीर उनकी किस्मत में लिखी थी कि वो लकीर के आगे मजबूर, बीमारी के आगे मजबूर, कोरोना के आगे ज़िंदगी हार गए। और धर्मेंद्र इसे कुछ ऐसे शब्दों से बयां करते नजर आए। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।